सारा इंडिया पैसा देगा नहीं किसी का। अमित शाह जी तो बोले कि 45 दिन के बाद 10,000 और उसके बाद फिर आपको पार्ट बाई पार्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे आपका पैसा हम करवाएंगे, सीना टोक के बोले थे। जमाकर्ता जो सहारा के हैं, आपके परिवार के बाहर हैं, वो आपको भी कुछ नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ भाषणबाजी आप लोग करते हैं, क्योंकि ये तानाशाही का सरकार अमित शाह और मोदी चला रहे दोनों जन। बीजेपी को इस बार वोट नहीं देंगे हम लोग, ये हम लोग का अहम मुद्दा है जो पूरे भारत में ये चल रहा है। तो हम बताना चाहें कि अभी विश्व भारती जनसेवा संस्थान की ओर से 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगाई गई है भारत के जितने भी 13 करोड़ जमाकर्ता हैं उनके भुगतान को लेकर। और ये भारत में पहली बार विश्व भारती एक NGO जो बहुत कम समय में खड़ा हुआ और सबसे पहली बार 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुका है। इसी महीने 16 तारीख को पहली सुनवाई भी हमारी और आखिरी, मतलब 110% क्या, क्योंकि सारा इंडिया पैसा देगा नहीं किसी का। और अमित शाह मोदी जी से बहुत उम्मीद था, अमित शाह जी तो बोले कि 45 दिन के बाद 10,000 और उसके बाद फिर आपको पार्ट बाई पार्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे आपका पैसा हम करवाएंगे, सीना टोक के बोले थे। आज शायद 45 दिन ना हुआ, 1 साल शायद क्रॉस हो गया, अमित शाह जी कहाँ हैं, मतलब हैं कि नहीं इस भारत देश में पता नहीं, बस रैली कर रहे हैं अपना कुर्सी के लिए। मोदी जी बोलते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या मेरा परिवार है, ये 13 करोड़ जमाकर्ता जो सहारा के हैं आपके परिवार के बाहर हैं, वो आपको भी कुछ नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ भाषणबाजी आप लोग करते हैं। रहा सवाल विपक्ष का, तो विपक्ष फिलहाल झारखंड में तो एक आश्वासन दिया है कि झारखंड के हम इसको नेशनल मुद्दा बनाएंगे, जिस जो कांग्रेस पार्टी के विषय में हम बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक साथ देते हैं वो लोग। इसी इलेक्शन में सबका मतलब फजीहत होना तय है और हम लोग का मतलब क्लियर कट है सहारियन का, बीजेपी को इस बार वोट नहीं देंगे हम लोग। ये हम लोग का अहम मुद्दा है जो पूरे भारत में ये चल रहा है, उसके अगेंस्ट में जो जीतने वाला पार्टी हो, हमको पार्टी और पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, जो जीतने वाला पार्टी होगा उसका सहयोग हम लोग करेंगे निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ये तानाशाही का सरकार अमित शाह और मोदी चला रहे दोनों जन। इसी माध्यम से विश्व भारती जनसेवा संस्थान की ओर से EMSME, मतलब इनके माध्यम से सहारे के कुचले हुए कार्यकर्ता, गरीब, फंसे हुए, मतलब एजेंट और जमाकर्ताओं के लिए एक समझिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, मतलब 1-2 रुपये कमाने का रोज़गार आपको देने का काम करने जा रही है। तो इसलिए आज हम लोग एक बैठक किए और इसी बैठक में हम लोग ये भी चाहेंगे, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि सहारा के जितने अधिकारी थे, मतलब SM थे, RM थे, जोनल को छोड़ के, उन लोग को भी बाहर का रास्ता बहुत प्यार से दिखा दिया गया, उन लोग को भी बर्खास्त कर दिया गया। हम रांची की बात बता रहे हैं, रांची क्या पूरे भारत में ही हो रहा है, कुछ दिन के बाद जोनल को भी निकाला जाएगा। तो आज भी समय है जब आप लोग के औकात नहीं, हम लोग तो पहले समझ गए आप लोग बहुत चापलूसी करते थे, आज आपको भी समझ में आ रहा है, समय रहते इस रीट याचिका में आप लोग जुड़ जाइए ताकि 1-1 रुपये ब्याज सहित भुगतान आप लोग का तय हो। हम इतना ही बोलेंगे क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, आपके ऊपर आपके जमाकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको बखूबी आपको निभाना पड़ेगा, अन्यथा आपके जमाकर्ता आपको माफ़ नहीं करेंगे।